नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आप उसका भुगतान करने में किन्हीं भी कारणों से असमर्थ हैं, आपको डराया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल की जा रही है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कहीं से स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशंस को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते होंगे पिछले 2020 से लेकर के अब तक जय जनशक्ति की मुहिम रही है कि हम प्रॉपर तरीके से आपको अवेयर कर सकें, आपको जागरूक कर सकें, आपको आपके पूरे राइट्स बता सकें। गाइस, जब हमने लोगों को वीडियो बना करके अवेयर करना शुरू किया, बहुत सारी एप्लीकेशंस पर एक्शन भी हुआ और बहुत सारी एप्लीकेशन बैन भी हुई, लेकिन हमारे देखने में आ रहा है अभी एप्लीकेशन दोबारा प्ले स्टोर पर आ रही हैं। गाइस, हमने बहुत से लोगों से कहा अपनी वीडियो के माध्यम से कि भाई आप लोग एक काम कीजिए, इनके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज कीजिए जो भी एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर रही है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। मेरे द्वारा कल एक वीडियो ही बनाई गई कि भाई अगर आपका कोई भी कंप्लेंट आप करते हैं उस पर सुनवाई नहीं होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग हमें ट्विटर हैंडल पे हमें फॉलो कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फॉलो करें और हमारे जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट्स करें और जो भी सारे इश्यूज़ हैं आप वहाँ पर मेंशन करें। देखिए, मैं आपको कतई भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप मुझे 200 रुपये दो, 300 रुपये दो, ऐसे बहुत सारे एनजीओ वाले हैं कि PIL फाइल करेंगे, लेकिन ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप डायरेक्टली अपनी बात पहुँचा सकते हैं और आपकी आवाज़ को उठाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इन लोन एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमें फ़ाइट करनी है, हमें परमानेंटली इन लोन एप्लीकेशन का खात्मा चाहिए, परमानेंटली ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल वगैरह करते हैं इनका प्रॉपर तरीके से हमें खात्मा चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो उन्हें बताए जाते हैं वो करते नहीं हैं। भैया, 100 रीट्वीट, 200 रीट्वीट, 300 रीट्वीट कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम आपको संख्या रखनी होगी हज़ारों की तादाद में। और मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी जो इशू है उस पर इमीडिएट गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा, और नहीं लेगी तो उसके लिए हम लगातार वीडियो बनाएंगे, आपको अवेयर करेंगे। बाकी बातों से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं सब कुछ करना होगा। बाकी मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको दिए हैं, आप इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से फॉलो कर लीजिए इमीडिएटली, और कोई भी इशू हो तुरंत ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके बताएं। बस मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और गाइज, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेंगे हर चीज़ को, वीडियोस को ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो मैं देखिए इस टॉपिक को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल हो गए हैं और आप लोग प्रॉपर तरीके से जो आप लोगों से रेस्पॉन्स की उम्मीद रखते हैं वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो कृपया करके कॉमेंट जरूर करके बताएं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा, अन्यथा फिर मजबूरन मुझे ये टॉपिक क्लोज करना पड़ेगा। आप लोगों को जैसा उचित लगे आप कॉमेंट जरूर करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी किसी बात का अगर किसी व्यक्ति को बुरा लगा है तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपको अगर फाइट करनी है तो ये सब चीज़ें करना होगा इन लोन ऐप्स के अगेंस्ट। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलूंगा।